हाय गाइस, दिस इज़ हादिया खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ ना, उस वीडियो का नाम है इंडियन यूट्यूबर्स वर्सेस पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। तो कैरी मिनाटी, बीबी की वाइंस, और तो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं तो कुछ कह नहीं सकते, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है, कौन अच्छा है। वैसे मुझे जो इस वीडियो को देख के लगेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, लेकिन एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो आप स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आगे किसी तरह की वीडियोस पे और रिएक्शन दूँगी। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां लोग अपने टैलेंट को बिना किसी रुकावट के फ्री में बड़े ऑडियंस को दिखा सकते हैं। YouTube ने कई लोगों के सपने पूरे किए हैं और आगे भी करता रहेगा, इस शर्त पे कि आप बिना रुके मेहनत करते रहें। अगर कंटेंट की बात करें तो YouTube पर आपको हर तरह के कंटेंट मिल जाएंगे जिसे लोग पसंद करते हैं। इंडियन यूट्यूबर से लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तक सब अपने अलग और अनोखे कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं दो यूट्यूबर्स के बारे में बात करेंगे, फेमस इंडियन और पाकिस्तानी यूट्यूबर से लेकर उनके मोस्ट व्यूड और लाइक वीडियोस तक। हम इन सारे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। मई 2005 में YouTube ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हुआ था। 2008 में YouTube पे केवल 1% इंडियंस की व्यूअरशिप थी, लेकिन लोकलाइज्ड YouTube इंडिया के लॉन्च होने से इंडिया में काफी लोगों ने YouTube देखना शुरू किया और जल्द ही ये प्लेटफॉर्म लोगों का मनपसंद हो गया। आज के वक्त में YouTube पर इंडिया से हर महीने 325 मिलियन यूनिक व्यूज आते हैं। नंबर्स की बात करें तो इंडियन यूट्यूबर्स का फैन बेस पाकिस्तानी यूट्यूबर्स से कहीं ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान में YouTube बेहद ही जरूरी चीज बन गया है। भारी मात्रा में कंज्यूमर्स YouTube पे वीडियोस देखते हैं, जिसे ब्रांड्स को अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इस फरवरी 2005 को पाकिस्तान ने YouTube को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि ऑफेंसिव कंटेंट को हटाने के लिए कोई टूल मौजूद नहीं था। लेकिन सितंबर 2016 को लोकलाइज्ड YouTube प्लेटफॉर्म्स के रिलीज होने से ये समस्या दूर हो गई और YouTube फिर से पाकिस्तान में अवेलेबल कर दिया गया। नंबर टू, मोस्ट सब्सक्राइब चैनल। इंडिया और दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया चैनल टी सीरीज है, जिसके मई 2021 तक 183 मिलियन सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। लेकिन ये एक म्यूजिक कंपनी है। अगर हम सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए गए यूट्यूबर की बात करें तो वह अजय नागर है, जिन्हें कैरी मिनाटी के नाम से भी जाना जाता है। उनके चैनल पर अभी के वक्त में 25 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया चैनल है ARY डिजिटल, जिसके सब्सक्राइबर्स 20 मिलियन से भी ज्यादा है। वहीं अगर हम मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूबर्स की बात करें तो किचन विद आमना के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जिनका नंबर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा है। नंबर थ्री, मोस्ट व्यूड यूट्यूब वीडियोस। कैरी मिनाटी के म्यूजिक वीडियोस यादगार पर सबसे ज्यादा 20 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं पाकिस्तानी यूट्यूबर किचन विद आमना के एक वीडियो पर सबसे ज्यादा 1.2 करोड़ व्यूज आए हैं। नंबर फोर, हाईएस्ट अर्निंग चैनल। 2021 में सबसे ज्यादा फेमस चैनल अमित भड़ाना का था। अमित भड़ाना के चैनल पर मंथ 3 करोड़ व्यूज आते हैं और उनकी हर मंथ की अर्निंग लगभग 30 लाख प्लस बताई जाती है। वहीं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जैसे कि किचन विद आमना को लगभग 1 करोड़ व्यूज मंथली आते हैं और उनकी एवरेज अर्निंग 5 लाख रुपीस के करीब होती है। नंबर 5, मोस्ट पॉपुलर वीलॉगिंग चैनल। इंडिया में अगर वीलॉगिंग की बात की जाए तो धीरे धीरे यंगस्टर्स में ये बहुत फेमस हो रहा है, खास करके वैसे लोगों में जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो। ये लोग अपने ट्रैवल के किस्से कैमरास में कैद कर लेते हैं और यूट्यूब पर डालकर ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। इंडिया में गौरव तनेजा एक बेहद ही फेमस वीलॉगर है। उन्हें द फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वह ज्यादातर अपनी वाइफ के साथ मिलकर वीडियोस डालते हैं। लोगों को उनकी वीडियोस बेहद ही पसंद है। वहीं पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछें कि सबसे फेमस यूट्यूबर कौन है, तो ज्यादातर लोग इरफान जुनेजो का नाम लेंगे। वह एक बेहद ही फेमस वीलॉगर है, जो लाइफ और दुनिया में चल रहे टॉपिक्स पर बातें करते हैं, साथ ही वीलॉग्स भी बनाते हैं। कई लोग उनके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। नंबर 6, फास्टेस्ट टू रिच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इंडिया में राजभरी के पापा नाम का चैनल, जो कि गौरव तनेजा का ही दूसरा चैनल है, केवल 24 आवर्स में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जुटाने में कामयाब हो गया। ये इकलौता ऐसा चैनल है जिसे YouTube ने 24 आवर्स के अंदर सर्टिफाई कर दिया। ये रिकॉर्ड अब तक कोई दूसरा इंडियन यूट्यूबर नहीं तोड़ पाया है। वही पाकिस्तान में शोएब अख्तर, जो कि बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स केवल 28 दिन में बन गए हैं, जिससे पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड बन गया। नंबर 7, फास्टेस्ट टू रिच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इंडिया में सबसे पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स जुटाने वाले यूट्यूबर्स थे भुवन बाम। उन्हें अब बीबीकी वाइंस के चैनल से भी जानते होंगे। भुवन एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स बहुत ही फेमस है। वहीं पाकिस्तान में सबसे पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने वाला चैनल था TRT उर्तुरुल बाय PTV। ये एक टर्किश टेलीविजन सीरीज का चैनल है।
जिसमें केवल उर्दू कंटेंट पोस्ट होते हैं। तो दोस्तों, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ओके, वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी थी और जिनको नहीं पता तो उन्हें भी पता लग गया। और बाकी अगर बात करें इंडियन वर्सेस पाकिस्तान की, तो सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा मतलब मुझे इंडियंस का पता है पाकिस्तान से ज़्यादा। मैं खुद पाकिस्तान से हूँ बट मुझे रिएक्शन दे देकर ना इंडियंस का पता है। खैरी मिनाडी, राउंड टू हेयर, वैसे उन्होंने राउंड टू हेयर को शामिल किया, उनके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। और पाकिस्तान में भी अच्छा कंटेंट के ऊपर होता है, जितना अच्छा कंटेंट है उतने अच्छे फॉलोअर्स। आई होप इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, अगर पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो के साथ, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आगे आप ये ऐसी वीडियो देखना चाहिए।